जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम है आप सभी का विजयपथ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हार्दिक स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का वेलकम है। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज एक बार फिर से मैं HRTC कंडक्टर का एक कंप्लीट क्वेश्चन पेपर 2013 का मैं कंप्लीट क्वेश्चन पेपर आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले HRTC कंडक्टर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2009 कंप्लीट डिस्कस मैंने आपके साथ किया है। इसकी PDF आपको हमारी एप्लीकेशन विजयपथ गवर्नमेंट विजयपथ गवर्नमेंट प्रेपरेशन ऐप के ऊपर जो है वो आपको मिल जाएगी। प्ले स्टोर से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। HRTC कंडक्टर का 2009 का क्वेश्चन पेपर हमने पहले ही आपके साथ डिस्कस किया है, काफी अच्छा रिस्पांस आपका उसमें रहा था। अब मैं आप सभी के लिए HRTC कंडक्टर 2013 का एक कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो आज आपके सामने लेके आया हूँ। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको कंडक्टर का ऑनलाइन पेड बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो मात्र ₹50 में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको 10 से ज़्यादा आपके मॉक जो है वो आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। साथ में हमारा वीडियो लेक्चर कोर्स रहता है, डिफरेंट हमारे चैप्टर वाइज उसमें क्वेश्चन सेट रहते हैं, प्रैक्टिस सेट उसमें आपको मिलते हैं। सो वीडियो को एक बार शेयर आप ज़रूर कर दें। और ये कंडक्टर 2013 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, HRTC ने खुद ही इसको कंडक्ट करवाया था। और इस पेपर में टोटल जो है वो आपके 60 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। तो आज आप इन 60 क्वेश्चन का हमारे साथ मॉक लगाइए और चेक कीजिए खुद को कि जो आपका दिसंबर 2023 में कंडक्टर का पेपर होने वाला है तो कितनी आपकी जो है वो तैयारी रही है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक बार शेयर आप जरूर कर दीजिएगा क्लास को। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, विषाद का विलोम क्या है। तो देखिए, विषाद जो है उसका विलोम क्या होता है। विषाद का मतलब होता है दुखी होना। विषाद का मतलब है दुखी होना, यानी कि कोई दुख में है, दर्द में है। तो इसका विलोम शब्द यानी कि खुशी, यानी कि हर्ष। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी ग्रामर से पूछा गया था, हिंदी वर्णमाला में ब का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए, ब के उच्चारण स्थान की बात कही गई है, तो आप खुद ट्राई करके देखिए। ब ब तो किस चीज का जो है वो आपका यूज किया जा रहा है। तो ब एक तो है आपके होंठ, ठीक है, और ब यानी कि दांतों का भी उसमें कुछ रोल है। तो दंत प्लस ओष्ठ यानी कि ओष्ठ यानी कि होंठ। तो दंतोष्ठ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ब का जो उच्चारण स्थान है वो है आपका दंतोष्ठ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सागर का पर्यायवाची क्या है। देखिए, सागर का पर्यायवाची, सागर का मतलब होता है समुद्र। तो समुद्र को और हम क्या कह सकते हैं, समुद्र यानी कि जहां पे तालाब काफी बड़ा। वैसे तालाब और सागर जो है वो दोनों अलग हैं, लेकिन सागर या फिर तालाब का मतलब है जहां पे काफी ज्यादा पानी होता है, समुद्र जहां पे सबसे ज्यादा पानी होता है। ऑप्शन ए में है पयोधर, फिर पोखरा, पयोनिधि, भूमिधर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पयोधर। पयोधर इज द राइट आंसर। ये जो है वो आपका सागर का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 4, ही ग लगे ना फिटकरी रंग चोला ही आए। ये एक लोकोक्ति है, जैसे मुहावरे हैं वैसे उसी टाइप की एक लोकोक्ति है। ही ना लगे ना फिटकरी रंग चोला ही आए, तो इसका अर्थ क्या होता है। लाभ के स्थान पर हानि होना, नियम के विरुद्ध काम करना, बिना खर्च किए काम अच्छा चाहना, या फिर खूब रंग चढ़ना। तो जल्दी से इसका आंसर आप डिस्कस कीजिए, हमारे साथ शेयर कीजिए, आप अपने आंसर को कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हिंदी के सेक्शन का है, तो इसका जो राइट आंसर है, ही ग लगे ना फिटकरी रंग चोला ही आए। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है कि बिना खर्च किए काम अच्छा चाहना, मतलब कि आप ज्यादा ना तो खर्च करना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो उम्मीद है वो काफी अच्छी है। जैसे कि किसी के घर में शादी है, आपने टेंट हाउस का जो है वो ऑर्डर दे दिया, टेंट हाउस वालों को बोला कि काफी अच्छे तरीके से इसको सजाना है। अब आपने उनको सारी अपनी जो चीज़ें थी वो आपने उनको बता दी कि यहाँ पे झालर लगानी है, यहाँ पे हमें ये लाइटिंग चाहिए, यहाँ पे ये लाइटिंग चाहिए, स्टेज ऐसा होना चाहिए, खाने का इंतजाम ऐसा होना चाहिए, आपने सारी चीज़ बता दी, लेकिन आपने खर्चा क्या किया, लिमिटेड किया। मतलब आपका बजट कम है, आप कंजूस हैं, मतलब कि आपने क्या किया, खर्चा कम किया, और आप ये चाहते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो काम क्या करे, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छा काम जो है करे। तो ऑप्शन सी जो है वो इस लोकोक्ति का
बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, आजाद ने अपनी प्रतिज्ञा अंत तक निभाई, इसमें कौन सा सर्वनाम है? आजाद ने अपनी प्रतिज्ञा अंत तक निभाई, मतलब कि आपको सर्वनाम की बात यहां पे पूछी गई है। प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक या फिर है अनिश्चयवाचक, तो आपको ये बताना है कि आजाद ने अपनी प्रतिज्ञा अंत तक निभाई, उसने जो कोई कसम ली थी वो बिल्कुल अंत तक उसने निभाई है। तो ये किस चीज का बोध कराता है? सर्वनाम के जो तीन पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्य और अन्य, इसमें ये बोध कराता है, इसलिए इसको निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल भी हो सकता है कि वह स्वयं गाड़ी चला सकता है, यानी कि कोई चीज है उसने खुद, उसने वो उसको प्रॉमिस किया है और खुद ही उसको क्या कर रहा है, वो कंप्लीट कर रहा है, तो उस चीज को क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मैंने उसे फूल दिया, वाक्य में कौन सा काल दर्शाता है? मैंने उसे फूल दिया। अब देखिए, दिया की बात की गई है कि दे दिया है, मतलब कि वो काम हो गया है, तो वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट, नहीं भविष्य काल यानी कि फ्यूचर जो होना है, भूतकाल का मतलब जो कार्य हो गया है, मैंने उसे फूल दिया, तो दिया का मतलब है कि वो मैंने काम कर दिया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है भूतकाल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से शुद्ध शब्द आपको ढूंढना है, तो शुद्ध शब्द आप यहां से ढूंढिए, क्या इसका राइट आंसर रहेगा? थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको मैं, हाँ, ये देखिए, शुद्ध शब्द आपको जो है वो ढूंढना है, परिति, प्रति, परति या फिर प्रति, तो किसी में प्रति लिखा है, किसी में परति लिखा है, तो प्रति ही जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। तो प्रति लिखा कैसे जाता है? प्रति को लिखते हैं इस तरीके से, जैसे प्रतिदिन, तो प्रति ऐसे लिखा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 8, क्रिया के कितने भेद हैं? ये तो आपको पता होना चाहिए, क्रिया के कितने मुख्य भेद जो है वो माने जाते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, तो कितने भेद हुए? 2 भेद हुए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वह एक ईमानदार लड़का है, इसमें विशेषण आपको बताना है, तो देखिए विशेषण क्या होता है ये तो आपको पता ही होना चाहिए, इसमें कौन सा विशेषण है? ईमानदार जो है वो क्या है? एक विशेषण है, वह लड़का है, ये तो एक नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन वो ईमानदार है या फिर वो बेईमान है, तो वो क्या है? उसकी विशेषता को दर्शाता है, जैसे कि ये मीठा है, तो मिठास या मीठा या फिर तेज दौड़ना, ठीक है, मतलब उसकी कोई एक खासियत, एक विशेषता को दर्शाता है, तो लड़का, वह लड़का ईमानदार है, वह एक ईमानदार लड़का है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा विशेषण है। तो देखिए, उस लड़के की किस चीज को दर्शाया जा रहा है? उसके एक कैरेक्टर को, उसके एक गुण को दर्शाया जा रहा है, इसका मतलब है गुणवाचक विशेषण इज द राइट आंसर, देन ऑप्शन बी इज मस्ट बी राइट। क्वेश्चन नंबर 10, 15 दिनों में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द छांटो, यानी कि जो चीज 15 दिन में होती है, देखिए सालाना तो देखने से ही पता चल जा रहा है, सालाना का मतलब क्या होता है? एक साल या फिर 365 दिन, साप्ताहिक का मतलब 7 दिन की बात करते हैं, त्रैमासिक यानी कि 3 महीने, तो ऑप्शन कौन सा बचा? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी, तो पाक्षिक इज द राइट आंसर, पाक्षिक का मतलब होता है 15 दिन, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल आसान से आसान क्वेश्चन आपकी हिंदी ग्रामर के भी पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? अति जमा आदि, इति जमा आदि, अति जमा आदि या फिर इनमें से कोई नहीं, तो देखिए कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा ए बी सी डी में से, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इत्यादि की बात की गई है, इत्यादि, इत से ही क्या डायरेक्ट देखने को मिल रहा है, इत का मतलब ई से ही स्टार्टिंग होगी, तो ऑप्शन बी ही बचा हमारे पास, इति प्लस आदि, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 12, मीनाक्षी का अर्थ क्या है? तो देखिए, आपके आसपास या फिर आपके कोई स्कूल कॉलेज में जो है वो एक कोई लड़की पढ़ती होगी, उसका नाम है मीनाक्षी, तो देखिए उसका क्या अर्थ होता है, कभी आप पूछ सकते हैं उनको कि आपके नाम का अर्थ क्या है, या फिर जब हम स्कूल में थे तो हमसे ज्यादातर ये पूछा जाता था कि आपके नाम का मीनिंग क्या है, तो वैसे ही अगर किसी का नाम मीनाक्षी तो उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मीनाक्षी, देखिए ये जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलके बना है, मीनाक्षी का मतलब है मीन और एक है अक्ष या फिर नक्ष, आप बोल सकते हैं कुछ भी, मीन का मतलब होता है मछली और नक्ष का मतलब है आंखें, उसकी आंखें मछली की तरह गोल आंखों वाली, ऑप्शन बी तो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए शुद्ध शब्द आपको छांटना है, जैसे पिछली अभी उसमें जो है वो आपको प्रति वाला एक क्वेश्चन आया था, कौन सा क्वेश्चन था आपका वो,
क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। वैसे ही आपको क्या करना है, यहां से शुद्ध शब्द जो है वो छांटना है। तो देखिए प्राकृतिक किस तरीके से लिखा जाता है, आपने लिखा भी होगा, ठीक है। जैसे प्राकृतिक उद्यान है, किस तरीके से लिखते हैं प्राकृतिक को, तो प्राकृतिक लिखा जाता है ऑप्शन बी की तरह, पहले प्रा फिर कृ ति और क, तो प्राकृतिक जो है इस तरीके से लिखा जाता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल क्या होगा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र के नियमों का विरोध करने वाला क्या कहलाता है, जो राष्ट्र के नियमों का यानी कि अपने देश के नियमों का क्या करे, विरोध करे, उग्रवादी, अपराधी, हिंसक या फिर अराजकतावादी, अराजकतावादी। तो जो अपने ही देश के नियमों का क्या करे, विरोध करे, उसको उग्रवादी नहीं कहा जाता है। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन ए सोच रहे हैं वो गलत है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी रहेगा, अराजकतावादी, अराजकतावादी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास रहेगा, क्वेश्चन 15 है, निम्न में से किस शब्द का अर्थ पृथ्वी नहीं है, किस शब्द का अर्थ पृथ्वी नहीं है, मही, धरा, भू या फिर प्रभा। तो देखिए धरा जो है उसको धरती कहा जाता है, भू का मतलब भूमि मतलब पृथ्वी, तो बचा कौन, मही और प्रभा बचा। तो मही जो है, मही, मही का मतलब होता है जमीन, उसको भी पृथ्वी का रूप दे दिया जाता है, लेकिन प्रभा जो है वो इसका आंसर नहीं है, ऑप्शन डी जो है वो इसको, पृथ्वी को ऑप्शन डी यानी कि प्रभा जो है वो नहीं कहा जाता। पृथ्वी के बड़े सारे जो है वो पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि धरा, जमीन, मही, उसके बाद भू, उसके बाद भूमि, धरती, धरणी, वसुंधरा या फिर अचला, तो वो जो है वो इसके क्या हैं, कुछ पर्यायवाची हैं, लेकिन प्रभा जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। तो ये हमने टोटल 15 क्वेश्चन जो थे वो हमने हिंदी के सेक्शन के किए डिस्कस। अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 से जो है वो आपके जीके के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन 16, टोटल 60 क्वेश्चन जो थे वो आपके उस एग्जाम में पूछे गए थे। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास पूछा गया, हमारे सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। काफी बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन, सबसे चमकीले ग्रह की बात बोली गई है। देखिए सबसे चमकीला ग्रह जो है वो है शुक्र, कौन सा है, शुक्र है, ऑप्शन बी यानी कि वीनस जो है इसका राइट आंसर रहेगा। शुक्र ये जो है सबसे चमकीला है, पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा इसको ही कहा जाता है, पृथ्वी के समान ही इसको, पृथ्वी के समान ही इसको जो है वो जाना जाता है, इसलिए इसको कई बार पृथ्वी की बहन के रूप में भी काउंट किया जाता है। टोटल सौरमंडल में जो है वो कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा, संसार का कौन सा देश जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है, कौन सा देश जो है वो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है, चीन, भारत, रूस और कनाडा। बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं, लेकिन ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके 2013 के एग्जाम के अकॉर्डिंग है, इसलिए उस समय जो था वो सबसे पहली पोजीशन पे जो था वो था चाइना। लेकिन अगर वर्तमान में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो पॉपुलेशन वाइज जनसंख्या के हिसाब से जो है वो कौन सा देश सबसे बड़ा है, तो वो है हमारा भारत। तो ऑप्शन बी जो है वो आप इसका बिल्कुल राइट आंसर कर सकते हैं, लेकिन 2023 के अकॉर्डिंग। तो जो बिल्कुल आप अभी इस क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं, पेपर काफी पुराना है, बिल्कुल 10 साल पुराना, 2013 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के अकॉर्डिंग जो है वो ऑप्शन बी भारत इसका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है, ऊना, हमीरपुर, चंबा या फिर बिलासपुर। क्षेत्रफल के हिसाब से आपको बताना है यानी कि एरिया वाइज, तो एरिया वाइज जो है वो सबसे छोटा जिला है ऑप्शन बी हमीरपुर, हमीरपुर जो है वो सबसे छोटा जिला है एरिया वाइज, और लाहौल स्पीति जो है वो एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल की बात की जा रही, हिमाचल जीके भी आपका इसमें इंक्लूड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री प्रेम कुमार धूमल किस चुनाव क्षेत्र से चुनकर आए हैं। तो उस समय जो थे वो श्री प्रेम कुमार धूमल जी हिमाचल के मुख्यमंत्री जो हैं वो रह चुके हैं, दो बार हिमाचल के मुख्यमंत्री बने हैं। तो किस चुनाव क्षेत्र से जो है वो ये बिलोंग करते हैं आपको बताना है, हमीरपुर, मेवा या फिर नदौन या फिर बमसन। तो बमसन जो है, हाँ बिल्कुल, तो प्रेम कुमार धूमल जी का जन्म जो है वो हमीरपुर के एक समीरपुर नाम का एक गाँव है वहाँ पर हुआ है, और ये जो थे वो इन्होंने बमसन जो इनका चुनाव क्षेत्र था वहां से इन्होंने जो है वो चुनाव लड़ा था। अभी वर्तमान में जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखराम सिंह
सुखू, सॉरी सुखविंदर सिंह सुखू। सुखविंदर सिंह सुखू जो है वो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से ही बिलोंग करते हैं, नादौन क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी जानते हैं, स्थापना की बात की गई है, पूर्ण राज्य की बात नहीं की गई। तो स्थापना जो है वो हुई थी 15 अप्रैल 1948 को। इसीलिए हिमाचल डे जो है वो कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को ही मनाया जाता है। लेकिन जब 25 जनवरी की बात करते हैं, 25 जनवरी 1971 की जब बात करते हैं, तो उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। सॉरी, थोड़ी सी आपको यहाँ पे स्क्रीनिंग में मुश्किल आएगी, ये थोड़ा सा एक मैसेज जो है वो बार बार यहाँ से आ रहा है। तो 25 जनवरी 1971 को जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, और हिमाचल प्रदेश की स्थापना जो है वो एक्चुअली हुई कब है? 15 अप्रैल 1948 को। उस समय टोटल जो है वो 30 रियासतें जो थी वो हिमाचल में रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, हिमाचल का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कौन सा हिमाचल का राजकीय पक्षी है, जुजुराना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उससे पहले हिमाचल का राजकीय पक्षी मोनाल भी रह चुका है, और हाँ, जुजुराना से पहले जो था वो राज्य पक्षी जो था वो मोनाल था। और भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। ऑप्शन, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, पहाड़ी गांधी के नाम से, पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बाबा कांशीराम जी को जो है वो, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जानते हैं? तो आप सभी जानते हैं बाबा कांशीराम जी को जो है वो पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये नाम जो है वो इनको दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास, इसको डिस्कस करते हैं। सो रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी? चार ऑप्शन दिए गए थे, तुलसीदास, वाल्मीकि, वेद व्यास या फिर सुखदेव। तो इसका जो राइट आंसर था हमारे पास वो था वाल्मीकि जी के द्वारा जो है वो रामायण लिखी गई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 24, यशवंत सिंह परमार कितने वर्ष तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे? तो टोटल जो है वो 17 बार हिमाचल प्रदेश के यशवंत सिंह परमार जो है वो मुख्यमंत्री रहे हैं। तो राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी इसका जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 2013 के अगर अकॉर्डिंग मैं बात करूं, उस समय जो थे वो थे न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ। कुरियन जोसेफ जो थे 2013 में, 2013 में जो थे वो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश थे। और अगर मैं वर्तमान की बात करूं 2023 में कौन है, तो कमेंट करके आप जरूर बताइए कि 2023 में, यानी कि अभी हाल ही में, नवंबर, अभी आज जो है वो 25 नवंबर 2023 है, तो आज के दिन जो है हिमाचल प्रदेश के वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये आप कमेंट करके जरूर अपना आंसर शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा के कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? हिमाचल प्रदेश से टोटल 3 राज्यसभा के सदस्य होते हैं और 4 जो है वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, जिसमें से तीनों की अगर मैं बात करूं तो जेपी नड्डा जी उसके बिलासपुर से, उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं इंदु गोस्वामी तहसील पालमपुर से, और उसके बाद शिमला से भी हाल ही में चुने गए हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के कुलपति भी जो हैं वो रह चुके हैं प्रोफेसर सिकंदर कुमार जी, जो कि हिमाचल प्रदेश के सबसे नए राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो बनाए गए हैं। आज थोड़ी सी क्लास में आपको ये दिक्कत आएगी, मैसेज आप एक बार बार विंडो अपडेट का आ रहा है, तो थोड़ा सा आप हमारे साथ कॉपरेट कीजिएगा। वर्तमान में भारत सरकार के संचार एवं आईटी मंत्री कौन है? तो इसका क्वेश्चन आप जरूर शेयर कीजिए। उस समय अगर पेपर के दौरान की अगर बात करें तो कपिल सिब्बल जी, ऑप्शन बी उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक था। 28 जो है ये भी आपका पुराना क्वेश्चन है, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि 2013 के अकॉर्डिंग बात की गई है, तो इसको अभी हम स्किप कर रहे हैं। लेकिन अगर वर्तमान में एचआरटीसी मंत्री की अगर बात की जाए हिमाचल के, तो मुकेश अग्निहोत्री जी के पास जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिया गया है, यानी कि एचआरटीसी मिनिस्टर कौन है हिमाचल प्रदेश के 2023 में, वो है मुकेश अग्निहोत्री, जो कि हिमाचल प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, बिजली महादेव किस जिले में है? आपने सुना होगा बिजली महादेव शिमला, मंडी, सिरमौर या फिर कुल्लू, कहां पर है? तो ये है हमारा कुल्लू जिले में। कुल्लू जिले में बिजली महादेव कहां पे है? कुल्लू जिले में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
यहाँ पे हर साल जो है वो शिव जी की शिवलिंग पर जो है वो बिजली गिरती है, इसलिए जो शिवलिंग है वो क्या होता है, खंडित हो जाता है, और जिसे पुजारियों द्वारा जो है वो मक्खन के साथ जो है जोड़ा जाता है। इसलिए वहाँ पे एक मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है, और उसकी पूजा की जाती है, तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है जीके का। एशियन गेम 2010 में भारत में हॉकी में कौन सा पदक जीता था? 2010 में हाँ 16th एशियन गेम्स जो है वो करवाए गए थे, चीन में हुए थे ये, और इसमें भारत को जो है वो कांस्य पदक जो है वो मिला था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो टोटल हिंदी के हमने जो है वो 15 क्वेश्चन किए, उसके बाद जीके की बात करें तो जीके के भी 15 क्वेश्चन किए, और टोटल आपके 60 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके किसके थे, मैथ के सेक्शन के थे। तो उनको जो है वो हम अब डिस्कस। मैथ के सेक्शन का क्वेश्चन फर्स्ट रहेगा, और क्वेश्चन पेपर में 31 हमारे पास ही क्वेश्चन रहेगा। देखिए 31 क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के पांचवें भाग के बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल 1620 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लंबाई 54 सेंटीमीटर है, तो हमें बोला गया था आयत की चौड़ाई और वर्ग की भुजा के बीच अंतर क्या है, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमें बोला कि आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल जो है उसमें समानता है, और क्या समानता है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसका हाँ आयत के क्षेत्रफल के पांचवें भाग के वो बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल हमारे पास दिया गया था, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आयत, आयत का क्षेत्रफल कितना 1620 है। अगर मेरे को वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसका पांचवा भाग कर दूंगा, यानी कि स्क्वायर का एरिया मेरे पास निकल के आएगा, इसका जब मैं पांचवा भाग करूंगा 1620 बटा 5 तो कितना जाएगा 324 आ जाएगा। ये थोड़ा सा पेन को पतला कर लेता हूँ मैं, ठीक है, तो इसको दोबारा से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, आप भी साथ साथ में लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले किसकी, आयत की, आयत का दिया 1620, अगर मेरे को स्क्वायर का निकालना है तो इसका मतलब 1620 बटा 5, तो स्क्वायर का एरिया कितना आ गया मेरे पास, स्क्वायर का एरिया आ गया 324। अब आयत से हम क्या निकालेंगे, चौड़ाई निकालेंगे, हमें हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, एरिया दिया है 1620। अगर मैं लेंथ की बात करूं, इस लेंथ की जगह मैं क्या भर दूंगा, लेंथ मेरे पास दी गई है 54, तो मैंने इस लेंथ को मिटाया और इस लेंथ की जगह मैंने भर दिया 54, ठीक है, तो ब्रेथ कितनी आ गई 54, उस तरफ जाके डिवाइड होगा, तो जब ये डिवाइड होगा तो बी का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, यानी चौड़ाई 30 आ गई, ठीक है, ये आ गई किसकी, एक मिनट, हाँ ये जो चौड़ाई है ये किसकी आ गई, ये आ गई आयत की। अब स्क्वायर की बात करते हैं तो 324 उसका क्या आ गया, एरिया आ गया, तो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड, ए स्क्वायर का मान कितना 324, तो उसकी एक साइड कितनी आ गई 324 का अंडर रूट, और 324 होता किसका अंडर रूट है, 18 का होता है। तो देखिए हमें बोला आयत की चौड़ाई और वर्ग की भुजा, आयत की चौड़ाई हमने निकाली 30 और वर्ग की भुजा कितनी आई 18, दोनों का अंतर करेंगे 30 माइनस 18, यानी कि आंसर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आपने भी इसको साथ साथ में ट्राई करना है, आंसर आप जरूर निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 है, एक लकड़ी का स्लीपर 10 फुट लंबा है, एक टुकड़ा करने के लिए 1.75 रुपये का खर्चा आता है, बिल्कुल ठीक बोला कि 1.75 रुपये, यानी कि 1.75 रुपये जो है वो एक टुकड़े को करने में लगते हैं, तो एक एक फुट के कितने, जब उसके टुकड़े किए जाएंगे तो कितना खर्चा आएगा। देखिए सबसे पहले 10 फुट लंबा है तो ध्यान में आपको क्या रखना है कि उसके टुकड़े कितने करने पड़ेंगे, है वो 10 फुट लंबा है, हमें एक एक फुट के करने हैं, देखिए एक फुट 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, जब मैं 9वें के ऊपर बार करूंगा तो 9 टुकड़े मेरे ये हो गए और एक टुकड़ा मेरा लास्ट में ये बच गया, ये खुद ही कट जाएगा, तो इसका मतलब है कि कोई 10 फुट स्लीपर है तो मेरे को उसके कितने कितनी बार मेरे को उसके ऊपर कुल्हाड़ी चलानी पड़ेगी, सिर्फ 9 बार, तो 9 बार मैंने कुल्हाड़ी चलाई, 10 टुकड़े उसके फिर से हो गए और इस 9 को मैं गुणा कर दूंगा 1.75 से, क्योंकि इतना खर्चा है एक फुट के टुकड़े को करने के लिए, तो 9 से जब मैंने गुणा किया तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 15.75, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा 15.75, ऑप्शन ए जो था वो इस क्वेश्चन का क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, 3 घंटे 24 मिनट का मतलब कितना होता है? 3 घंटे 24 मिनट का मतलब, घंटों में ही बात करनी है यहां पे, 3 घंटे प्लस 24 मिनट का मतलब है 24/60, तो ये कितना बन गया, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, ये बन गया 3 जमा 2/5। 2/5 को जब मैं डिवाइड करता हूँ तो ये बनेगा 3 जमा 0.4, तो ये बना 3.4 घंटे, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, 3.4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मेगावाट का मान बताइए, तो मेगावाट जो है था वो होता है 10^6, डायरेक्ट आंसर था ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बोर्ड मास से क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 35 है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गुणा, इसको आपने गुणा किया, 2 को 2 से किया कितना आ गया 4, फिर इनको भी गुणा करना, पहले 3 को 3 से किया 9 और प्लस के 3, तो अब सभी को ऐड कर दीजिए, 4 और 2 6 9 15, 15 और 3 कितने 18, तो 18 ऑप्शन सी जो था वो इसका राइट आंसर रहना था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन था, 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0, एनीथिंग यानी कि अगर मैं 10^0 करता हूं तो वो भी 1 होगा, 12^0 करता हूं वो भी 1 होगा, 112^0 करता हूं तो वो भी 1 होगा, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एज इट इज लिखा, 2 को 2 से गुणा किया 4 और 0.3 जमा 0.3 कितने हो गए 0.6 हो गए, ऐड कर लीजिए 4 और 2 6 और 1 7, 7 और 0.6 कितना बन गया 7.6, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आई होप आपके आंसर भी बिल्कुल सही हैं। तापमान पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट स्केल बराबर रहता है, ये आपका कंडक्टर 2009 का जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था उसमें आपका, आई थिंक मैंने लास्ट में कहीं पे ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था, मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ कहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस किया था, हाँ क्वेश्चन नंबर 98 2009 का जो आपका HRTC कंडक्टर का पेपर था उसमें 98th क्वेश्चन जो था वो यही आपसे जो था वो पूछा गया था, तो 37 का जो आपका सही आंसर रहेगा वो है -40 डिग्री, -40 डिग्री के ऊपर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट स्केल दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, एक यात्री को 10% छूट देने पर उसका किराया जो है 117, जैसे हम क्या करते हैं ग्रीन कार्ड लगाते हैं, जैसे कि मेरे को धर्मशाला से पालमपुर जाना है, 50 रुपये किराया है और मैंने ग्रीन कार्ड लगाया, मेरे को कितना 30% या 25% मेरे को छूट मिल गई, वैसे तो आप सभी जानते हैं 25% छूट होती है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो उसी तरीके का ये क्वेश्चन दिया है कि जब यात्री को छूट मिली मिल गई यानी कि स्मार्ट कार्ड उसने यूज़ किया, 10% छूट होती है स्मार्ट कार्ड के ऊपर, तो उसने कितने दिए 117 रुपये दिए, अगर उसने वो स्मार्ट कार्ड नहीं लगाया होता तो आपको पूछा है कि अगर छूट नहीं मिली होती तो उसका ओरिजिनल किराया कितना था, तो देखिए 10% का छूट का मतलब है 90%, तो 90% की वैल्यू दी गई है 117, आपको एक की निकालनी है, एक की आ जाएगी 117/90 और फिर आपको 100 की बतानी है तो गुणा कर देंगे आप 100 से, ठीक है, 0 से 0 चलेगी, फिर 9 से आपके 117 कट जाएंगे, 13 9 117 और 13 को 10 से करेंगे तो ओरिजिनल किराया कितना था 130 रुपये था, लेकिन जब 130 के ऊपर 10% की छूट दी गई यानी 13 रुपये छोड़े गए तो उस व्यक्ति ने कितने रुपए दिए, सिर्फ 117 रुपये उस कंडक्टर को दिए। नेक्स्ट है, एक प्रश्न पत्र में 3 घंटे 24 मिनट में 102 प्रश्न हल होते हैं तो 1 घंटे में कितने प्रश्न हल होंगे, ये आपको बताना है कि 3 घंटे 24 मिनट, तो आप पहले आप इनको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, 3 घंटे का मतलब कितना हो गया, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे का मतलब 180 और 24 कितने हो गए, 4 8 और 0 204, इसका मतलब है 204 मिनट में आपको 102 क्वेश्चन करने हैं, तो 1 मिनट में कितने करेंगे 102/204, आपसे पूछा है 1 घंटे में, 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में पूछा है तो आप 60 से गुणा कर दीजिए, बस यही इसका राइट आंसर था, 102 से आपका 204 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, 2 से 60 कट जाएगा कितनी बार, 30 बार, तो यानी कि 1 घंटे में आपके 30 क्वेश्चन होंगे, तो इसका मतलब है कि 1 मिनट में आपका कितना, 1 मिनट में आपका आधा क्वेश्चन होगा, तो ये आप मान के चल सकते हैं, इसका मतलब जब आपसे 1 घंटे की बात बोली गई है तो आपके कितने क्वेश्चन हुए, सिर्फ 30 क्वेश्चन हुए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 लड़के एक काम को 24 दिन में करते हैं, इसी काम को 9
नौ लड़के कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने घंटे में पूरा करेंगे। एमडीएच का फॉर्मूला वर्क एंड टाइम के चैप्टर में करवाया जाता है, वो इसका यूज होगा। छह लड़के हैं 24 घंटे में काम करते हैं, अब लड़के नौ हो गए और दिन एक्स आ गए, तो नौ कहाँ चला जाएगा ऊपर से, ये वाला नौ कहाँ चला गया, नीचे चला गया। तो नौ से अब आपकी इसकी कटिंग कीजिए, तीन दुने छः, तीन तिया नौ, तीन से 24 कटा आठ, आठ को दो से करेंगे 16। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 16 घंटे जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या 10 के घन से 150 कम है, 10 के घन से 150 कम है, ठीक है, कोई एक संख्या है हमें नहीं पता, 10 का घन, 10 का घन कितना होता है 1000, उससे वो 150 कम है, ठीक है, 150 कम है, इसका मतलब संख्या कितनी आ गई, 850। अब वो जो संख्या है 850 है, उसका क्या करना है, 3/17 का 6% निकालना है, ठीक है, 6% निकाल देंगे, जीरो से जीरो चला गया, 17 × 85 और क्या कटेगा, 5 से कट जाएगा ये दो बार, 2 से 6 कटा 3 बार, 3 × 3 कितने 9, बट आंसर तो आपका मैच नहीं कर रहा, 45, 39, 69, 54। संख्या 10 के घन से 150 कम है, 150 कम है, संख्या आ गई 850, 850 आ गई तो नहीं, ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका 9 ही आएगा, ये आपके ऑप्शन में मिस्टेक दी गई है, ये क्वेश्चन आपका गलत है, उस पेपर में गलत क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। राइट आंसर जो है वो 9 है, फिर भी आप इसको एक बार चेक कीजिए, शायद हो सकता है मेरे से कहीं पे कोई गलती हो रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, एक समकोण त्रिभुज में आधार, समकोण का मतलब 90 डिग्री वाली ट्राइंगल जिसमें है, तो आधार 3 मीटर है, लंब 4 है, तो कर्ण बताना, पाइथागोरस डायरेक्ट यूज करेंगे, आंसर आएगा 5, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, 36 के वर्ग से 27 का वर्ग घटाने पर क्या आंसर आता है, यानी कि 36 का स्क्वायर में से 27 का स्क्वायर कम करते हैं तो क्या आंसर आता है, दो इसके मेथड हैं, या तो डायरेक्ट इसको फॉर्मूला लगा के आप यूज कीजिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी का 36 − 27, या तो ये फॉर्मूला आप यूज कीजिए, या फिर 36 का स्क्वायर पहले निकाल लीजिए, उसके बाद 27 का स्क्वायर निकाल लीजिए और आप उनको क्या कर दीजिए, आपस में माइनस कर दीजिए, जब मैं प्लस करूंगा तो 63 आएगा और माइनस करने पे आएगा 9, दोनों को गुणा करूंगा तो कितना आएगा 567। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी ध्यान रखें, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 44 है, पाई क्या होता है, देखिए पाई का एक सिंपल रूप है, वैसे तो 22/7 या फिर 3.14 उसकी वैल्यू है, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम उसको क्या बोल सकते हैं, आप एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप उसके सर्कमफ्रांस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो देखिए मैंने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि 2πr जो है वो किसका फॉर्मूला है, परिधि का फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ से पाई जब मैं निकालूंगा तो आंसर आएगा क्या आएगा, परिधि बटा 2r, यानी कि डबल ऑफ रेडियस, और डबल ऑफ रेडियस का मतलब क्या होता है, व्यास, तो आंसर क्या बना, परिधि बटा व्यास, जो कि ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन बी में जो है वो मेरे पास दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 को डिस्कस करते हैं, एक बस की औसत गति एक ट्रैक्टर की औसत गति से 2.5 गुना है, ठीक है, और एक ट्रैक्टर जो है 7 घंटे में 126 किलोमीटर तय करता है, तो बस 90 किलोमीटर में कितना समय लगाएगी, ठीक है, समय की बात यहां से पूछी गई थी हमें, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस कितना दिया है 126 और टाइम है 7 घंटे, डिवाइड करेंगे 18 से कट जाएगा, अब ये जो 18 ये तो आगे किसकी स्पीड है, ट्रैक्टर की स्पीड, अब जो बस है वो 2.5 घंटे 2.5 गुना ज़्यादा है, इसका 2.5 गुना कर दीजिए आप, 2.5 गुना का मतलब होता है इस 18 को आप गुणा कर दीजिए 2.5 से, ये आ गया 2.5 गुना ज़्यादा, 2.5 गुना ज़्यादा का मतलब आ गया कितना 45, तो बस की जो गति है वो कितनी है 45 है। अब हमें टाइम निकालना है, फिर से वही फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड हमने निकाली 45, डिस्टेंस हमारे पास कितना है, कितना दिया गया है, हाँ 90 किलोमीटर दिया गया है और टाइम हमें निकालना है, तो टी ऊपर चला जाएगा, 45 नीचे आएगा, 45 से 90 कटा 2 घंटे उसको लगेंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, शिल्पा की हिंदी में शिल्पा की हिंदी में 76 अंक आए, विज्ञान में 86, सामाजिक विज्ञान यानी कि SST में 92 और अंग्रेजी में अधिकतम अंक से 2 अंक कम आए हैं, और हर विषय में अधिकतम अंक कितने हैं 100 हैं, तो देखिए अंग्रेजी में कितने आए हैं अधिकतम, अधिकतम मतलब 100 उसमें से 2 कम, तो 100 में से 2 कम का कर दीजिए, तो यानी कि अंग्रेजी में कितने अंक मिल गए उसको,
अंग्रेजी में मिल गए 98 अंक। अब प्रतिशत की बात की जाती है तो प्रतिशत निकालते कैसे हैं, सभी सब्जेक्ट के अंकों का योग कर दीजिए, यह आ जाएगा 98। और नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा पेपर कितने का था, तो चार पेपर थे, 100-100 का पेपर था, टोटल 400 का पेपर था, और गुणा कर दीजिए किससे, प्रतिशत के लिए 100 से, ठीक है। सबको ऐड कर दीजिए, 0 से 0 तो मैंने पहले काट दी, सबको ऐड कीजिए और 4 से भाग कर दीजिए, सबको ऐड करने पे और 4 से भाग करने पर आंसर क्या आएगा, 88। तो सी ऑप्शन जो है राइट आंसर है, 88% जो है वो शिल्पा के क्या बने, मार्क्स बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा एक वृत्त के व्यास के समान है, एक वर्ग की भुजा एक वृत्त के व्यास के समान है, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ये एक वर्ग है, इसकी एक भुजा है, मान के चलता हूं कि इसकी भुजा कितनी 10 सेंटीमीटर जस्ट अभी माना है, तो इसका मतलब वृत्त का व्यास कितना होगा, वृत्त का व्यास भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा, ये मैंने ऐसे मान के चला, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से क्वेश्चन को रीड करता हूं। क्वेश्चन में हमें बताया गया कि वर्ग का क्षेत्रफल 196 है, तो वृत्त का हमें निकालना है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये आ गया 196। आप ओपन कीजिए, आर का मान यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। पाई का 22/7 आपने भरा, आर का मान जब आपने निकाला तो आर आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से आर की मान आ गया 7, ठीक है। यानी कि वर्ग की जो फॉर्मूला मैंने गलत लगाया, पाई आर स्क्वायर तो वृत्त का फॉर्मूला होता है, नहीं फॉर्मूला मैंने गलत लगाया, एक मिनट, हाँ देखिए, वर्ग के जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है साइड का स्क्वायर, ए का स्क्वायर 196 आ गया, तो ए का मान कितना आ गया, 14 आ गया, यानी कि वर्ग की जो भुजा है वो कितनी आ गई, 14। तो क्वेश्चन में दिया गया था कि जो वर्ग की भुजा वही वृत्त का क्या है, व्यास है, तो वृत्त का व्यास 14 आ गया, यानी कि त्रिज्या कितनी आ गई, 7। अब एरिया निकालना था तो एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो पाई यानी कि 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 गया, 22 को 7 से करेंगे, कितना आंसर 154, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो है ही नहीं, 154। ऑप्शन सी को आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, 154 आएगा ऑप्शन सी, इसको आप टिक कर सकते हैं, 154 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, यहाँ पे दिया गया है x का 64%, ठीक है, x का मतलब गुणा 64/100 प्रतिशत हटाया प्लस 39 और बराबर है 583, 39 को पहले दूसरी तरफ लेके जाइए, आपके पास बचा x गुणा 64/100, दूसरी तरफ लेके माइनस किया और 583 माइनस 39, फिर 100 ऊपर चला जाएगा, 64 नीचे आ जाएगा, x का मान कटिंग करके कितना आएगा, 850, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन सी में है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो देखिए चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 1000 और तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि 999, इनका योग आपको बताना था, तो ये आपके पास आंसर बनेगा 1999, जो कि ऑप्शन सी के आपके इसमें लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, तो इसको आप बोर्ड मार्क्स के मेथड से आप यूज़ कीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर जो है वो इसका बता देता हूँ। 50 का जो आंसर आपका आना चाहिए वो है 76, ट्राई कीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो HRTC का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर अब आएगा, 2009 का, 2013 का हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद 2014 के क्वेश्चन पेपर की भी हम एक कंप्लीट वीडियो आपके पास लेके आएंगे, तो उसमें हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अगर आप कमेंट करते हैं ज़रूर ये क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन 51 आपका बिल्कुल ही गलत था, तो इसको तो आप ध्यान मत दीजिए। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 52, देखिए 5 के 100वें भाग और 10वें भाग का योग क्या होगा, देखिए 5 का 100वां भाग कर दिया और 5 का ही 10वां भाग कर दिया, इसका योग, ये चीज आपको बतानी थी। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 100, ये आपके पास 5 और ये आ गया 50, तो ये आ गया 55 और बटा 100, यानी कि बटा 100 का मतलब दो अक्षर छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो 0.55, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 52 का ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, एक बिंदु के समकोण होते हैं, तो देखिए 53 का आंसर क्या था, एक बिंदु के कितने समकोण होते हैं ये हमें बताना था, तो एक बिंदु के टोटल 4 समकोण होते हैं, 4 समकोण, जैसे कि ये बिंदु है, देखिए ये मैंने लाइनें लगाई, ये ठीक है, तो ये एक 90 डिग्री का कोण, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, टोटल 4 ही कोण जो है 90 डिग्री के बन सकते हैं, क्योंकि टोटल एंगल कितने का बना, 360 का बना, अगर एक भी एंगल मेरा 89 डिग्री का हो जाता है
तो इसका मतलब है टोटल फिर तीन ही समकोण बनेंगे, तो मैक्सिमम जो है एक बिंदु के चार समकोण ही बन सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, 54 को आप ट्राई कीजिए क्या इसका राइट आंसर था। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है आपका ये, इसको आप ट्राई कर सकते हैं, आंसर आप जरूर शेयर कीजिए। बोर्ड मार्क्स का सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, चंबा से बनीखेत जाने वाली बस में बस स्टैंड से 36 यात्री बस में बैठे हैं, उस बस में 52 यात्री बैठ सकते हैं, परेल से 3 यात्री और बैठे, अभी कितनी सीटें खाली हैं। देखिए क्वेश्चन घुमाया गया है, 36 यात्री बैठे थे, 3 इसमें परेल से और बैठ गए, यानी कि 39 यात्री बैठे हैं, कितने में से 52 में से, यानी 52 में से 39 सीटें जो हैं वो भरी हुई हैं, हमें खाली की बात कही गई है, तो खाली कितनी है, खाली है 13 सीटें, कितने से, 52 में से, प्रतिशत में निकालना, गुणा 100 करेंगे, 13 चौके 52, 4 से 100 कटा कितनी बार, 25 बार, तो यानी कि आंसर क्या आएगा, 25% इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही, 9 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, वही सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड हमारे पास दी गई है कितनी, स्पीड हमारे पास दी गई है 40, और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, और नीचे टाइम जो था वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और ये डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, 9 से 18 कटा 2 बार, 2 से 40 कटा 20 बार, 20 को 5 से करेंगे 20 × 5 = 100, तो 100 जो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 100 मीटर इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, 58 आप खुद ट्राई कीजिए, 59 भी आप खुद ट्राई कीजिए, इसको आप खुद ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल बोर्ड मार्क्स के इजी से इजी क्वेश्चन है, तो आई थिंक अगर आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप नहीं करवा रहे हैं क्वेश्चंस को, वीडियो क्यों बनाई, बच्चे ऐसे भी कमेंट करते हैं कि आपने एक पेपर लिया था 60 क्वेश्चन थे, उसमें से 6 क्वेश्चन आपने कराए ही नहीं। देखिए मैं इसलिए नहीं कराता हूं, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन को तो आसानी से कर सकते हैं। अगर आपसे बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन भी नहीं हो रहे हैं, अगर फ्री के नंबर भी आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आप पेपर की तैयारी करना छोड़ दीजिए। डायरेक्ट मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए सलाह रहेगी कि आप फिर उस पेपर के जो ख्वाब है, उस नौकरी का जो ख्वाब है, वो बिल्कुल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, अगर आपके बोर्ड मार्क्स के भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो अगर कोई डाउट रहता है, बिल्कुल आप उसको पूछिए, 2014 का जब मैं क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगा, उन क्वेश्चन को मैं भी आपके साथ वहां पे जरूर करवाऊंगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन था, टोटल 60 क्वेश्चन पूछे गए थे, और मैथ के सेक्शन का ये 30 क्वेश्चन था, और पूरे पेपर का ये 60वां क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था पेपर का, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अच्छा क्वेश्चन बोला गया था, एक बस का खाली भार जो है वो 90 क्विंटल है, सवारियों के साथ उसका भार, आधार नहीं आएगा, सॉरी भार आएगा 12 टन है, एक सवारी का औसत भार 60 किलोग्राम हो तो उसमें सवारियां कितनी बैठी हैं आपको बताना है। तो देखिए 90 क्विंटल की बात की गई, 90 क्विंटल का मतलब है भार बस का, भार 90 क्विंटल का मतलब है, इसको केजी में आप चेंज कीजिए, 100 से गुणा किया कितना आ गया, 9000 केजी, बस का खाली भार कितना है, 9000 केजी है सवारियों के साथ। जब सवारियों की बात की जाती है, यानी कि सवारियों के साथ, सवारी प्लस बस, इन दोनों का भार, देखिए सवारियों के साथ बस का भार जो है वो कितना है, 12 टन है, टन की बात की है, 12 गुणा 1000 करेंगे अब हम, तो कितना जाएगा 120, 10 एक्स्ट्रा लग गई, कितना आ गया 120 आ गया हमारे पास, हाँ ये केजी आ गया, ठीक है 12000 केजी आ गया, पहले खाली 9 था अब 12 आ गया। अब देखिए खाली उसका 9 है, लेकिन जब सवारियां डाल दी गई तो कितना आ गया, 12000 आ गया, यानी कि कितना एक्स्ट्रा है, 3000 जो है वो वेट एक्स्ट्रा है। ये 3000 कहाँ से आया, सवारियों से आया, एक सवारी का भार कितना है, 30 है, तो 30 से डिवाइड कर, सॉरी 60 है दिया है ना, एक सवारी का औसत भार 60 से डिवाइड किया 0 से 0, 6 से आपने इसको कट किया, 6 × 5 = 30 और 10, एक सवारी का भार औसत फॉर्म में कितना रहेगा, सॉरी एक सवारी का भार जो है वो तो औसत फॉर्म में 60 किलो है, तो अगर 60-60 किलो के हिसाब से 3000 भार बनाना हो तो इसका मतलब 50 आदमी लगेंगे, 60 से डिवाइड किया तब भी 50 आंसर आपके पास मिला, तो उस बस में सवारी कितनी बैठी थी, 50 सवारियां जो थी वो उसमें बैठी थी। आई होप आपको आज की ये क्लास जो है वो काफ़ी अच्छी लगी है, 2009 का क्वेश्चन पेपर भी, जिन्होंने अभी नहीं देखा है आप उसको ज़रूर देखिए। कैसी आपको क्लास लगी, ज़रूर अपना आंसर हमारे साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कोई डाउट रहता है उसको हम ज़रूर आपके सामने उसको रिजॉल्व करेंगे,
और एक नए अपडेट के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, उसमें डिफरेंट आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेरीज़ को आपको सॉल्व किया जाता है। डेली लाइव क्लासेस हमारी शाम 8 बजे एक कंप्लीट मॉक जो है वो लगाया जाता है, तो उसको भी आप ज़रूर देख सकते हैं। तो जल्दी एक नई क्लास के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। We'll be right back.